से, बट पहले हम अमार से पूछना चाहेंगे कि कैसे कैसे बने आप सिंबल ऑफ राइटन्स, क्या स्टोरी है सर? वो एक्चुअली स्टोरी जरा उनकी हरकत से ज्यादा अंडरवेलमिंग है एट सम लेवल, क्योंकि ये एक छोटा सा स्टूडेंट सॉलिडैरिटी मार्च था इस दफा, तो हमने खुद दानिस्तन बहुत उसको छोटा रखा क्योंकि कोविड का इशू था, और एक सिंबॉलिक हमने डिसाइड किया प्रोटेस्ट करना। और मुझे याद है कि जुमे को हमारा मुजाहरा था, और जुमे रात को जिस तरह होता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कॉल्स आना शुरू हो गई कि जी आप डिले कर दें, या कितने लोग होंगे, कब शुरू होगा, कब खत्म। एनीवे वी नेगोशिएटेड, और हमारी बात हुई, हमारी एसी साहब से बात हुई, हमारी एसएचओ साहब से बात हुई, हमारी डिफरेंट जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे बात हुई। अब उनके साथ तो बात अमूमन तय हो जाती है, और वो खुद उन्हें पसंद भी नहीं है ज्यादा कोई, एक तो अगर किसी को पकड़ने की तरफ जाते हैं, रोकने की तरफ जाते हैं, तो वो लड़ाई झगड़ा होता है, फिर उनका काम ज्यादा करना पड़ता है, तो पुलिस की कोशिश होती है कि चीजों को बस आप चला दें, और सिविल इंतजामिया की भी होती है। लेकिन आप होता है कि एक गैप है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड दोज हु एक्चुअली गवर्न। एक एक कॉल आपको आती है 042 के नंबर से, एक आपको कॉल आती है अननोन से, और उन दोनों की बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है कि उनकी आप एक को कन्विंस कर लो, आप दूसरे को नहीं कर सकते। सो ये बहुत बड़ा मसला है कि हमें ये नहीं पता मालूम होता कि लोकस ऑफ पावर किधर है, एग्जैक्ट पॉलिसी क्या है, हमसे एक्सपेक्टेड क्या है। और जब आपको ये चीज पता ना हो तो यू आर ऑलवेज गिल्टी, क्योंकि किसी ना किसी की बुक में आप गिल्टी हो। एक तो इवन सिविल इंतजामिया के अंदर भी मुख्तलिफ आप इदारों से बात करो तो उनको इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची होती कि हो रहा है नहीं हो रहा, किस टाइम पे हो रहा है। फिर ऊपर से पर्दे के पीछे भी लोग हैं, उन तक भी आपने पहुंचानी है इंफॉर्मेशन, और उनके अंदर भी एक कोई ग्रो नहीं है, कई ग्रुप्स हैं। सो दिस इज कंप्लीट एनार्की, दिस इज कंप्लीट केओस। जैसे कि प्रोटेस्ट जो होते हैं वो एनार्की करते हैं, प्रोटेस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं डिस्टेबलाइजेशन। हमारी जो इस वक्त गवर्नेंस का मॉडल है, नॉट जस्ट द ब्यूरोक्रेसी बट द एक्चुअल मॉडल ऑफ गवर्नेंस व्हिच इंक्लूड्स द नोन एंड द अननोन, इट इज एब्सोल्युटली केओटिक, इट्स एब्सोल्युटली एनार्की। और उसमें हमने बहरहाल प्रोटेस्ट किया, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था, सोशल डिस्टेंसिंग थी, मास्क थे। I think it was actually a very model protest given the circumstances. और छोटा भी हमने जान के इसलिए रखा, हमने रैली भी कैंसिल कर दी, पहले रैली थी बड़ी पिछले साल की तरह, वो भी कैंसिल हो गई। वहां से हम निकले हैं तो पहले किसी ने मैसेज किया कि आपको आपके डिटेंशन ऑर्डर्स निकले हुए हैं। उसके बाद हमारी गाड़ी को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, मैं बहरहाल आगे पीछे हो गया, लेकिन मेरी वाइफ से बदतमीजी की, हमारे साथ एक और दोस्त थी शकीला हैदर, जलीला हैदर की बहन, गलबन आप जानते होंगे, उनके साथ बदतमीजी की। दो लड़के हैदर भट्ट और हैदर कलीम, उनको उन्होंने तकरीबन गिरफ्तार कर लिया। मजे की बात ये, वो हैदर कलीम हमारा दोस्त है, स्टूडेंट लीडर था पहले, वो उसको उन्होंने पकड़ लिया कि तू है ना मार, तू है ना मार। तो उसने कहा नहीं हूँ नहीं हूँ मार, कहता मार तू झूठ बोल रहा है। उसको तकरीबन वो उसने आईडी कार्ड दिखा के अपनी जान बचाई, वरना वो आप ये देखे ना इनकी इंटेलिजेंस भी, ये इनका ये जो आसमा जहांगीर साहिबा कहती थी वो तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन कम से कम अन इंटेलिजेंस से जरूर कहना चाहिए कि ये इतनी ज्यादा इन्होंने इंटेलिजेंस गैदरिंग के बाद वो हैदर को ये अमार कह के लेके जा जिस रहे जिस एक्टिविस्ट के कर्ली बाल हैं भाई, हैं। आप गंजे हो जाएं खुदा के वास्ते, वरना धर लिए जाएंगे। मतलब उनका कि उस वक्त तो आई थिंक उनको बस था किसी लड़के को पकड़ के लाना। एनीवे ये बाद में फिर मुझे पता चला कि इन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है ये फ्रेज सिंपल फ्राइटन्स, वहां पे मुझे सिंपैथी भी हुई अपनी कॉम के साथ कि इस तरह के लोग जो है हमारे पे मुसल्लत है। कि आप ये देखें कि जो डिक्लाइन हुआ है कॉम्पिटेंस का वो कैसा है। मेरी हिना जलानी साहिबा से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद के ऊपर भी यही लगा था, तो मैं बस क्यूरियस होकर पूछा, मैंने कहा कि इसी तरह लिखा हुआ था जिस तरह ये जुमले इन्होंने लिखे हुए हैं, क्योंकि एक भी जुमला यकीन करें उसमें करेक्ट नहीं है। और मैं आपको यकीन से दिलाता हूँ ये इंग्लिश का भी मसला नहीं है, आप इसे उर्दू में पंजाबी में लिखवा लें उसमें भी इसी तरह लिखें। ये प्रॉपर कॉम्पिटेंस का एक मसला है हमारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर कि बस टाइम नहीं देना और जल्दी जल्दी सारे काम करने हैं।
और मेरे ख्याल में लिखा भी उन्होंने नहीं, उन्होंने पढ़ा भी नहीं शायद, ना हो जहां से भी लिख के, ये उन लोगों की तरफ से आया है जिनको कभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को उठाने के लिए। तो ये बहरहाल हुआ और उनका कि यार नहीं, हमारे टाइम पे जो लिखा था मेरे वालिद साहब के टाइम पे वो एक्चुअली बहुत बेहतर उसे लिखते, कम अज कम ठीक थे और रीजन देते। यानी आप देखें कॉलोनियल स्टेट के बाद भी ये डिक्लाइन है, ये डेकेडेंट वर्जन ऑफ द कॉलोनियल स्टेट है। वहां पे भी आप उनके आर्काइव देखें, मैं हिस्टोरियन एज ए हिस्टोरियन मैंने इनके आर्काइव्स में काम किया है, बहुत उसमें स्टूपिड बातें होती थी, मगर दे फ्रॉम देयर पॉलिटिकल फिलॉसफी दे वुड जस्टिफाई एंड देयर वाज अ रीजन, इट वाज अ रीजन वी कुड डिसएग्री विद। यहां तो उसने कहा थ्रेट सिंबल ऑफ फ्राइटन्स है, पब्लिक को हरास करता है, मैं कहा पता नहीं क्या इल्जाम लगा रहे हैं किस किस्म के, और के एनआरकी के और हर चीज पर एक भी एग्जांपल नहीं किया। अगर ये कह देते ना कि यार कोविड की वजह से हम रोक रहे हैं, फिर भी मैं खुद थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता कि यार ये तो इशू जेन्युइन है, वो भी नहीं उनको, यानी अपना भी उनको काम सही तरह करना नहीं आता, अपना बयानिया भी बनाना। सो दिस हैपेंड एंड ऑफ कोर्स जो हम चीफ जस्टिस के पास गए, उन्होंने 5 मिनट की हियरिंग के अंदर सस्पेंड किया और कहा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई एविडेंस नहीं है इसके लिए और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ है। पर मैं इतना आपको जरूर कहूँ कि प्रॉब्लम जो एक लार्जर लेवल पे आ रहा है वो ये है कि स्टेट को रेजिस्टेंस मिल रही है, उसका जो अपना नैरेटिव है वो कमजोर हो चुका है, एंड एनीथिंग दैट एक्सीड्स बियॉन्ड इट्स लॉजिक, बियॉन्ड इट्स अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड इट्स फ्रेमवर्क व्हिच इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग नैरो, एनीथिंग दैट एक्सीड्स दैट इज ऑटोमेटिकली सीन एज अ फॉरेन थ्रेट, एज समथिंग आउटसाइड व्हाट इज लेजिटिमेट पॉलिटिकल कम्युनिटी। और जब ये इस तरह से चीजें एक्सीड करने लग जाएं, तो वो चीजें जिनको आप फिर कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकते, जिनके लिए आपके पास लैंग्वेज ही नहीं है, वो फिर रिटर्न करती हैं एज मॉन्स्टर्स, एज गोस्ट, यू नो, ये वो चीजें, ये हम जो पूरा आइडिया है सोशियोलॉजी में स्पिरिट्स का, गोस्ट का, स्पेक्टर्स का, वो है ये, दीज आर थिंग्स दैट दैट अ सोसाइटी और अ स्टेट कैन नो लॉन्गर कॉम्प्रिहेंड, तो वो फियर इंड्यूस करता है। और इस वक्त जो डिसेंट है, इट्स बिकम अ स्पेक्टर, इट्स बिकम अ गोस्ट, बिकॉज द स्टेट इज रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज डिसेंट एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। बाय द वे, आपने हमें राज नहीं बताया, आपने अरेस्ट अवेट कैसे किया, कुछ शेख रशीद की तरह बाइक पे बैठ के? 17 अगस्त में मेरी अभी हियरिंग है, तो आप अगर चाहते हैं कि मैं ना मेहमान बनूं सरकार का, तो अभी इस बात को हम दबा ही देते हैं। लाहौर में जो जिन्होंने हर हमारे केस के ऊपर प्रो बोनो आके मदद की है, हमेशा आलमगीर के केस में भी, मेरे भी पुराने केसेस में, हमेशा वो करते हैं, बहुत ही एक अच्छे नेक इंसान, पर लाइमलाइट उन्हें कभी नहीं मिलती, हालांकि उन्होंने सारी पिटिशन वगैरह उन्होंने की। फिर मैम हिना जलानी, सलमान अकरम राजा साहब और तकरीबन 15-20 लॉयर मौजूद थे कोर्ट के अंदर,